नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल गुरुदेव पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप भी बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 2022 से 23 सेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या फिर उसका जो रिन्यूअल होने वाला है, जिनको पहले 21 से 22 वाला मिल चुका है, यानी कि अब जो रिन्यूअल होगा 2022 से 23 के लिए, तो वो जो है डेट मतलब आया है या नहीं आया है, या शुरू हुआ है या नहीं हुआ है। चूँकि आपको YouTube पर काफ़ी वीडियो मिलेंगे जिसमें बताया जाएगा कि आपका जो है डेट शुरू हो गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ऑनलाइन का डेट अभी शुरू नहीं हुआ है। हालांकि ये जो है ऑफिशियल नोटिस एक बार आया था कि 10 सितंबर से लेकर 9 अक्टूबर तक जो है आपका ऑनलाइन होगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं अभी तक। तो आप देखेंगे तो कई सारे वीडियो बताएँगे जिनमें कि एक पेपर में भी मतलब बताया गया था कि 9 अक्टूबर तक जो है लास्ट डेट है इसका पोस्ट मैट्रिक का 2022 से 23 सेशन के लिए, 2022 से 23 सेशन के लिए जो है डेट जो है 10 अक्टूबर है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। देखिए, अभी तक जो है शुरू नहीं हुआ है। मैं यहाँ पर लॉगिन करके भी दिखाऊंगा तो आप देख सकते हैं, जैसे कि मैं लॉगिन करके दिखा ही देता हूँ। तो लॉगिन करने के लिए आपको जो है स्टूडेंट प्लस पर यहाँ जो क्लिक कर देना है, उसके बाद आपको जो है जो भी आप EBC BC है वो सेलेक्ट कर लीजिए, कोई भी यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होता है। और यहाँ पर आने के बाद आपको जो है लॉगिन फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड स्टूडेंट, या फिर नया के लिए है तो न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। लेकिन आप यहाँ पर चलिए क्लिक करके मैं देख लेता हूँ न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन में, तो आप यहाँ पर देखिएगा क्या दिखाएगा। यहाँ पर जो है प्रोसेस जो है आप देख सकते हैं, यहाँ पर लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन क्या लिखा गया है, 30/9/2021, यानी कि ये जो है पिछले वाला है, अभी तक यहाँ पर जो है शुरू नहीं हुआ है। हालांकि यहाँ पर ऐसे आप क्लिक करके कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पर जो है कंटिन्यू हो जाएगा, लेकिन तो यहाँ पर जब आप सब कुछ भर लीजिएगा तो उसके बाद यहाँ पर बता देगा कि रजिस्ट्रेशन इज क्लोज, तो कोई फ़ायदा है नहीं। यहाँ पर मैं सिंपली बता दूँ कि अभी जो है शुरू बिल्कुल नहीं हुआ है, या रिन्यूअल हो या फिर न्यू फॉर्म जो है अभी बिल्कुल शुरू नहीं हुआ है। तो अब बात कर लेते हैं कि ये जो है 2022 से 23 के लिए शुरू कब होगा, मतलब डेट कब आएगा। तो देखिए, मतलब अभी क्लियर नहीं है, लेकिन मैं बता दूं कि जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पोस्ट मैट्रिक के ऑफिशियल वेबसाइट पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो है 20 तक डेट दिया गया था। जो भी व्यक्ति सुधार नहीं कर पाए थे अपना, उसके लिए 20 सितंबर तक का जो है यहाँ पर मौका दिया गया था, लेकिन जो लोग भी नहीं किए होंगे उनका जो है परमानेंटली रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद जो भी इस साल का बचा हुआ है उन लोगों का जो है पेमेंट हो, या फिर उनका पास करना हो, या फिर वेरिफिकेशन करना हो, तो उनका करके क्लियर कर लिया जाएगा। और मुझे लग रहा है जैसे कि एक हफ्ता के अंदर में, या फिर लगभग एक सप्ताह समझ लीजिए, तो उसके बाद जो है आपका 2022 से 23 के लिए जो है शुरू बिल्कुल हो जाएगा, रिन्यूअल हो या फिर नया अप्लाई हो। तो बिल्कुल, तो इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले आप डॉक्यूमेंट को रेडी रखिए। डॉक्यूमेंट में आप जानते ही हैं कि जातीय आवासीय आय तीनों चाहिए, जिसमें कि आपको मेन जो है आपका आय प्रमाण पत्र है वो जो है 6 महीना के अंदर वाला होना चाहिए, मतलब नया होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका सभी डॉक्यूमेंट होगा ही आपके पास, जैसे आधार कार्ड हो गया, आपका मार्कशीट हो गया, या फिर आप जो एडमिशन कराए हैं उसका स्लिप हो गया, वो सब तो होगा ही, ठीक है। तो आशा करते हैं आप इस बात को समझ गए होंगे कि अभी जो है यहाँ पर डेट शुरू नहीं हुआ है, यानी कि अप्लाई होना शुरू नहीं हुआ है, कोई डेट ऑफिशियल अभी नहीं आया है। हालांकि वो जो ऑफिशियल डेट आया था कि 10 सितंबर से लेकर 9 अक्टूबर तक, वो जो है फेल मार गया। तो आशा करते हैं आप इस बात को समझ गए होंगे। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक हमारे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, और किसी भी तरह का कमेंट मतलब पूछना है कोई भी चीज़ तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।